ब्रांच ने महिलाओं द्वारा संचालित मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस रैकेट की 5 महिलाओं को एक पुरुष के साथ गिरफ्तार किया है। उनके चंगुल से एक 4 साल की बालिका को मुक्त कराया गया है। आरंभिक जांच में इस रैकेट द्वारा कई बच्चों की बिक्री किए जाने का पता चल रहा है। शहर से बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग को क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने गिरफ्तार किया। यह गैंग बच्चों का अपहरण और खरीद फरोख कर लोगों को बेचती है। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने जांच में जुट गई। एक सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 5 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में साई बाबा नगर खरबी निवासी सुरेंद्र यादव राव पटले उम्र 44 साल, पूजा सुरेंद्र पटले उम्र 40 साल, इंदौरा भंडार मोहल्ला निवासी शर्मिला विजय खाक से उम्र 50 साल, दिघोरी निवासी शैला विनोद मंचलवार उम्र 32 साल, गोरले लेआउट सुभाष नगर निवासी लक्ष्मी अमर राणे उम्र 38 साल और बारसे नगर पाचपावली निवासी मनोरमा आनंद ठौले उम्र 45 साल का समावेश है। बताया जाता है कि यह गैंग लंबे समय से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में सक्रिय है। विशेष तौर पर निसंतान लोगों को बच्चे बेचती है। इस गैंग की मुखिया शर्मिला खाक से है। पुलिस ने गैंग को पकड़ने की योजना बनाई। पंटर ग्राहक दंपति तैयार कर पुलिस ने शर्मिला से संपर्क किया। उसने बताया कि यदि लड़का चाहिए तो 3.5 लाख रुपए और लड़की चाहिए तो 2.5 लाख रुपए देने होंगे। बीते बुधवार को एक डिलीवरी होने की जानकारी उसने पंटर ग्राहक को दी और कहा कि डिलीवरी होते ही बच्ची मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड लेकर सीधे अस्पताल पहुंचना होगा, लेकिन किसी कारण बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाई। पुलिस को लगा वह बहाने कर रही है। इसी दौरान शर्मिला ने बताया कि उसकी 4 वर्ष की बच्ची है, चाहे तो उसे ले जाओ। यह सुनकर तो पुलिस भी सकते में आ गए। पंटर ग्राहक द्वारा हामी देते शर्मिला ने पैसे लेकर मेडिकल चौक पर हल्दीराम के सामने मिलने बुलाया। सुरेंद्र बच्ची को लेकर वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास मिली 4 वर्षीय बच्ची शिवानी मध्य प्रदेश के सिरोहा की रहने वाली है। पुलिस ने माता पिता से संपर्क कर उन्हें नागपुर बुलाया। पूछताछ करने पर पता चला है कि शैला मंचलवार ने खुद कुछ दिनों पहले अपने 12 दिन के बच्चे को शर्मिला के जरिए किसी को बेचा है। इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान का सहयोग मिला। DIG सुनील फुलारी, DCP गजानन राजमाने और SAP सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर सार्थक नेहते, API सुरेशो, PSI अतुल इंगले, स्मिथ सोनो ने पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर। सामाजिक सुरक्षा पथकाला 3-4 दिवसापूर्वी एक माहिती मिळाली होती की शर्मिला खाकसे नावाची एक महिला आहे, ती मानवी तस्करी मध्ये गुंतलेली आहे आणि ती लहान मुलांची खरेदी विक्री करते। त्याप्रमाणे आपण या टीपवर वर्कआउट करत होतो माननीय DCP राजमाने सरांच्या मार्गदर्शनामध्ये। काल आपल्याला कन्फर्म माहिती मिळाल्यानंतर आपण एक बोगस हे पालक पाठवले त्या ठिकाणी आणि बैद्यनाथ चौकामध्ये हल्दीरामच्या हॉटेलजवळ आपण त्या महिलेला 2.5 लाख रुपयाचं आमिष दाखवलं। ऍक्च्युली ती महिला 2.5 लाख रुपयात मुलगी आणि 3.5 लाख रुपयामध्ये मुलगा असं अपत्य विकत असायची। तर त्याप्रमाणे आपण त्या ठिकाणी तिला आणि तिचे 5 साथीदार आहे, सुरेंद्र पटले, शैला मंचलवार, पूजा पटले, लक्ष्मी राणे आणि मनोरमा ढोळे अशा 6 आरोपींना अटक केलेला आहे। मान्य कोर्टासमोर आज त्यांना हजर करण्यात आलं आहे। त्यांचा PCR घेऊन ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा आपला प्रयत्न चालू आहे। या आरोपींवर इमामवाडा पोलीस स्टेशनला IPC 363, 370 आणि बालन्याय अधिनियमचे कलम 75 आणि 80 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। ही जी पीडित मुलगी आहे, 3 वर्षाची मुलगी जी आपण त्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेली आहे, ती सिहोरा जबलपूर इथली राहणारी आहे। तर ही एक आंतरराज्य टोळी असायची देखील शक्यता आहे आणि जेवढं तपासात समोर आलेलं आहे ते हिमनगाचं एक टोकच असावं असं सध्या तरी निदर्शन येत आहे। त्याबाबत सखोल तपास आपण करत आहोत।